न्यूमेरिकल है, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ फील्ड एट अ प्लेस इज गिवन, एच गिवन है, बी एच गिवन है, बी और वी गिवन है, एंगल ऑफ डेल्टा निकालो और टोटल बी निकालो, टोटल बी तो निकाल लोगे, वेक्टर सम है, और टैन डेल्टा क्या है, बी ऑफ वी अपॉन बी ऑफ एच, तो डेल्टा टैन इनवर्स में छोड़ देना, और अगर नहीं, अगर इसकी वैल्यू गेस करनी है तो ये 1.732 के आसपास है, √3, टैन इनवर्स √3, यानी कि टैन थीटा √3 है, तो अप्रॉक्सीमेटली 60 डिग्री के आसपास आंसर आएगा अंदाजे से। ठीक, ये न्यूमेरिकल इसलिए ताकि आपको सिर्फ पढ़ना आ जाए डायरेक्शन पढ़ते कैसे हैं। डेक्लिनेशन एट अ प्लेस इज 15 डिग्री, डेक्लिनेशन के ऊपर न्यूमेरिकल आ गया, 15 डिग्री डेक्लिनेशन है, वेस्ट ऑफ नॉर्थ, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ वेस्ट साउथ, वेस्ट ऑफ नॉर्थ का मतलब याद रखना, जब 15 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ है, एंगल 15 डिग्री वेस्ट के साथ नहीं बनाना, 15 डिग्री वेस्ट के साथ नहीं बनाना, 15 डिग्री नॉर्थ के साथ बनाना, वेस्ट की तरफ बनाना, ये देखो नॉर्थ से बनाना, 15 डिग्री वेस्ट की तरफ झुक जाना, तो ये 15 डिग्री है। अब वो कह रहे हैं एक शिप है, और शिप को कहाँ पहुँचना है, आपकी शिप ऐसे जा रही है, शिप कहाँ जानी चाहिए, ईस्ट पे, तो घुमाओ शिप को, कितना एंगल घुमाओगे, ये 15 डिग्री है और ये रहा ईस्ट, तो कितना घुमाओगे, 15 प्लस 90 कितना, 105 आंसर, तो क्लॉकवाइज 105 घुमाओगे तो आप ईस्ट की तरफ आ जाओगे। 15 डिग्री क्या के बने, शिप कैसे जा रही है या डेक्लिनेशन क्या है, वेस्ट ऑफ नॉर्थ, तो ये शिप है उसकी डेक्लिनेशन लोकेशन बता रहा है, वेस्ट ऑफ नॉर्थ है, नॉर्थ के साथ एंगल 15 है, उसको कहाँ जाना है, ईस्ट पे, तो ये ऐसे घुमाएगा, तो यानी कि 15 प्लस 90 105 घूमेगी आंसर। फिर सेम क्वेश्चन है, एक शिप है जिसको कहाँ पे पहुँचना है, रीच पहुँचना है, कहाँ पहुँचना है, 10 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट, तो एंगल किसके साथ बनाना, वेस्ट, किस तरफ बनाना, साउथ, तो ये रहा आपका वेस्ट और ये रहा आपका साउथ, इधर नीचे बनाना, वेस्ट से बनाना साउथ की तरफ, कितना, 10 डिग्री, तो आपकी शिप ये जा रही है, नहीं यहाँ जाना चाहती है, यहाँ जाना चाहती है। अब वो कह रहे हैं कि किस डायरेक्शन में उसे बोड़े, अगर डेक्लिनेशन 18 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ है, नॉर्थ वेस्ट की तरफ, नॉर्थ के साथ एंगल बनेगा 18 डिग्री वेस्ट की तरफ, ये रहा आपकी शिप अभी ऐसे जा रही है, जाना ऐसा चाहती है, तो कितना मोड़ेंगे, ये 18 है तो बचा हुआ 90 माइनस 18 +10, 90 माइनस 18 +10 82 डिग्री मोड़ना है, तो मतलब ये टर्म पढ़नी कैसे है, बस इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है यहाँ तक, इसकी जरूरत नहीं है करने की, नहीं करना, ये करेंगे, ये बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, वैसे इसका फॉर्मूला ही डराइव करेंगे, कैसे, कह रहा है इफ डेल्टा वन एंड डेल्टा टू बी द एंगल ऑफ डिप्स ऑब्जर्व्ड इन वर्टिकल प्लेन्स एट राइट एंगल टू ईच अदर, कह रहे दो वर्टिकल प्लेन्स हैं, वर्टिकल प्लेन्स हैं, दोनों 90 डिग्री पे हैं और दोनों दोनों असली नहीं हैं, दोनों एपरेंट हैं, दोनों एपरेंट 90 डिग्री पे हैं। अब वो कह रहे हैं डेल्टा ट्रू एंगल ऑफ डिप है, तो ये नकली प्लेन्स हैं, असली प्लेन इनके कहीं बीच में है कुछ ऐसे, तो असली प्लेन में एंगल ऑफ डिप डेल्टा है, इसके अंदर डेल्टा वन है, इसके अंदर डेल्टा टू है, तो आपको बताना है रिलेशन बिटवीन डेल्टा, डेल्टा वन एंड डेल्टा टू क्या होगा। पहले इस पॉइंट को समझो, ये असली प्लेन है, दो एपरेंट प्लेन्स हैं, असली प्लेन के अंदर वर्टिकल कंपोनेंट और एपरेंट प्लेन में वर्टिकल कंपोनेंट तो सेम रहता है, तो वी तो मैंने कर दिया सेम, असली प्लेन में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बी एच है, क्योंकि इन प्लेन्स का एंगल 90 है, तो अगर इसका एंगल थीट है तो इसका 90 माइनस थीट है, तो बी एच का कॉम्पोनेंट क्या बनेगा इसकी तरफ, बी एच कॉस थीटा, और यहां पर क्या बनेगा इसके ऊपर, बी एच कॉस 90 माइनस थीटा, तो बी एच का एक कॉम्पोनेंट बी एच कॉस थीटा और एक कॉम्पोनेंट इस तरफ बी एच कॉस 90 माइनस थीटा, क्लियर है यहां तक। तो ये बताओ असली प्लेन में टैन डेल्टा का फॉर्मूला क्या था, बी ऑफ वी अपॉन बी ऑफ एच, इस नकली प्लेन में अपरेंट प्लेन में टैन डेल्टा वन क्या होगा, बी ऑफ वी डिवाइडेड बाई बी एच कॉस थीटा, है ना, क्योंकि जो अपरेंट प्लेन है उसमें बी एच तो होगा नहीं, बी एच कॉस थीटा होगा, तो ये फॉर्मूला क्लियर है, यहाँ से रेसिप्रोकल लेके कॉट थीटा बना गया। फिर ऐसे ही इस प्लेन के अंदर जो टेन डेल्टा टू होगा वो वर्टिकल कंपोनेंट अपन हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल क्या है, बी एच कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा क्या है, साइन थीटा,
इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो ये टर्म आएगी, ये इक्वेशन नंबर वन है, इक्वेशन नंबर टू है, इन दोनों को स्क्वेयरिंग एंड एडिंग करेंगे तो आपके पास साइन स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर बन आ जाएगा, और हॉरिजॉन्टल बाय वर्टिकल कॉम्पोनेंट कॉट थीटा है। ये ना फॉर्मूला नोट कर लें, ये नहीं आता पेपर में, सीधा मार्क करने को आएगा, कॉट स्क्वेयर थीटा वन प्लस कॉट स्क्वेयर थीटा टू इज इक्वल टू कॉट स्क्वेयर थीटा। ये असली एंगल ऑफ डिप है और ये अपरेंट एंगल ऑफ डिप्स है, ये फॉर्मूला नोट कर लें बस।